आजकल कुछ कुछ बच्चा ज्यादा अब्सेंट होने लग गया है। कल हम एक दो जन के तो कंप्लेन किए हैं, बाद बाकी जो भी कर रहा है उसके भी करेंगे। हाँ, तो फिर हम लोग कल जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज पढ़े थे वो तुम्हारे स्क्रीन के सामने है, ये इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन डेंसिटी। तो ये हम लोग को कौन बता सकता है, डेंसिटी और टेम्परेचर का क्या कोई रिलेशन है डायरेक्ट में? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेरी गुड टेम्परेचर। भैया, यहाँ पे डेंसिटी और हम लोग पढ़े कल टेम्परेचर का जो रिलेशन है वो क्या हो जाता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है। तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब ये हो गया क्या भैया, कि यहाँ पे आपका जो है अगर डेंसिटी बढ़ेगा तो वॉल्यूम टेम्परेचर घटेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो डेंसिटी घटेगा। तो ये चीज हम कल तुम लोग को यहाँ तक पढ़ाए थे और बोले थे आज हम लोग यहाँ पे आगे पढ़ेंगे। तो एक्सेप्शन यहाँ पे आता है, रिकॉर्डिंग चालू है क्या? हाँ, यहाँ पे देख, एक्सेप्शन यहाँ पे आता है, मोस्ट ऑफ द सब्सटेंस एक्सपेंड ऑन हीटिंग एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑन कूलिंग। तो इसी बेसिस पर हम तुम लोग को एक चीज बताए थे, ये कहाँ से आया भैया, टेम्परेचर बढ़ाने पे वॉल्यूम क्या होता है, बढ़ता है। तो उसी तरह से यहाँ पे ये बोल रहा है कि टेम्परेचर बढ़ा रहे तो वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो इसका मतलब ये क्या हो जाता है, एक्सपेंशन हो जाता है। ये क्या हो जाता है, एक्सपेंशन। टेम्परेचर घटाने पर वॉल्यूम घट जाता है, इसी को हम क्या बुलाते हैं, कॉन्ट्रैक्शन बुलाते हैं। इसी को क्या बुलाते हैं, कॉन्ट्रैक्शन। तो ये चीज तुम लोग को पता है, ये जनरली होता है, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता भैया कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे वॉल्यूम बढ़ेगा, ये हर बार ऐसा नहीं होगा। लिखता है यहाँ पे, द बिहेवियर ऑफ वाटर इज हाउएवर वेरी डिफरेंट ड्यू टू इट्स अनइवन एक्सपेंशन। पानी के बारे में पहले भी तुम लोग पढ़े हो, पानी क्या करता है, एनामोलस एक्सपेंशन शो करता है। व्हाट डू यू मीन बाय एनामोलस एक्सपेंशन, एनामोलस का मतलब होता है अनयूजुअल बिहेवियर। कैसा बिहेवियर, अनयूजुअल बिहेवियर। जैसे हम लोग कृष्णा का बात करते हैं, अब कृष्णा को 4 बजे क्लास इसलिए नहीं करना है क्योंकि उसको क्रिकेट खेलना है। अब वो बोलेगा नहीं भैया आप 4 बजे रख दीजिए, तो ये इसका अनयूजुअल बिहेवियर हो गया। सत्यम, सत्यम अचानक से क्या करने लग गया, टेस्ट हम लोग क्वेश्चन पूछते वो अब जवाब देने लग गया, तो ये उसका अनयूजुअल बिहेवियर हो गया। ओके, तो यही चीज बता रहे हैं यहाँ पे। तो अनयूजुअल बिहेवियर क्या होता है, अनयूजुअल बिहेवियर का मतलब यहाँ पे यही हो गया, जैसा वो डेली नहीं कर रहा और वो अचानक से ऐसा करने लग गया। ठीक है, तो यहाँ पे पानी का क्या अनयूजुअल बिहेवियर वो देखो भैया, अभी हम लोग कोई चीज को भी अगर ठंडा करते हैं तो वॉल्यूम उसका क्या होता है, घटने लगता है, कॉन्ट्रैक्ट करने लगता है। लेकिन पानी जो है 4 डिग्री से 0 डिग्री के बीच में उल्टा बिहेवियर शो करता है। क्या है उल्टा बिहेवियर, हम बताओ, जब 4 से 0 के तरफ जा रहे, टेम्परेचर बढ़ा रहे कि घटा रहे, टेम्परेचर घटा रहे। तो टेम्परेचर अगर घट रहा है तो वॉल्यूम घटना चाहिए, लेकिन भैया यहाँ वॉल्यूम घटता नहीं है, वॉल्यूम क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो पानी इस टेम्परेचर के रेंज में वो क्या करता है, अनयूजुअल बिहेवियर ये शो कर रहा है, जहां उसका वॉल्यूम घटना चाहिए था यहाँ उसका वॉल्यूम बढ़ रहा है। इसी को कहते हैं एनामोलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर। इसी को क्या कहते हैं, एनामोलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर। एनामोलस का मतलब होता है अनयूजुअल बिहेवियर, ठीक है, और पानी का है तो इसलिए हम लोग पानी का नाम लगा दिए यहाँ पे। तो पानी जो है जहाँ पे टेम्परेचर घटना चाहिए था घट ही रहा है, वॉल्यूम जहाँ बढ़ना चाहिए था वहां भैया घटना चाहिए था वहां पे वॉल्यूम बढ़ रहा है। तो वॉल्यूम बढ़ रहा है तो इसी को हम लोग क्या बुला रहे हैं, एक्सपेंशन बुला रहे हैं। यहाँ पे यही चीज तुमको बताएगा, सुनना सब बच्चा अच्छे से। द बिहेवियर ऑफ वाटर इज हाउएवर वेरी डिफरेंट ड्यू टू इट्स अनइवन एक्सपेंशन। वाटर व्हेन कूल्ड फ्रॉम ए हाई टेम्परेचर कॉन्ट्रैक्ट्स अप टू 0 डिग्री, therefore it expand below 4 degree up to 0 degree। देखिए यहाँ पर underline कर इसको, पानी जो है 4 से 0 degree के बीच में, यहाँ पे ऐसे करके देख ले, मैरो देके दिखा रहे, यहाँ पे temperature घटा रहे तो volume क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। लिखना चाहता तो लिख ले ये साइड में ताकि तुमको ध्यान रहे। एंड देन स्टार्ट डिक्रीजिंग वेन इट इज कूल्ड फर्दर बिलो 4 degree अप टू 0 degree। तो ये चीज ध्यान रखना, पानी जो अनयूजुअल बिहेवियर शो करता है वो 4 से 0 degree के बीच में करता है। तो अगर हम तुमसे पूछेंगे पानी का डेंसिटी के बारे में, तो ये चीज ध्यान रखना, पानी का जो डेंसिटी मैक्सिमम होता है वो कितने डिग्री पे होता है, 4 डिग्री सेल्सियस पे। क्यों भैया, क्योंकि पानी का अगर डेंसिटी 4 डिग्री पे मैक्सिमम होने का कारण ये है कि भैया 4 डिग्री के बाद उसका वॉल्यूम बढ़ने लगता है, और अगर वॉल्यूम बढ़ता है तो डेंसिटी और वॉल्यूम में कैसा रिलेशन हो जाता है, इन्वर्सली। भैया अगर आप देखिए ये जो आप बात बोले इस पे समझना, ये बात आएगा बाद में, हम तुमको अभी इसका रीजनिंग पहले ही बता दे रहे हैं। पानी का डेंसिटी सबसे ज्यादा कितने डिग्री पे होता है, तो तुम बताओगे 4 डिग्री पे। ऐसा कैसे हो रहा है, क्योंकि भैया पानी 4 डिग्री के बाद जो है ना वो क्या करने लग जाता है, वॉल्यूम बढ़ने लगता है। अरे भैया वॉल्यूम बढ़ रहा है तो डेंसिटी का क्या लेना देना है उससे, डेंसिटी का ये लेना देना है कि डेंसिटी और वॉल्यूम में इन्वर्सली रिलेशन होता है। भैया अब वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेंसिटी क्या होगा बताओ,
घटेगा घटेगा, वेरी गुड। ठीक है, तो तुम लोग आंसर देता, हमको लगता है तुम लोग को समझ में आ रहा, बोला कर सब बच्चा। तो वॉल्यूम बढ़ने से डेंसिटी क्या होता है, घटता है। वॉल्यूम बढ़ने से डेंसिटी क्या होता है, घटता है। तो इस चीज का ध्यान दे, ये रिलेशन ऐसे आया है, खुद से समझिएगा ना, तो ऐसा समझ के कि किसी और को समझा सके तुम लोग, कभी गड़बड़ नहीं होगा उससे। यहाँ पे अब चलो तुमको बोल दिए हम खाली कि पानी का डेंसिटी 4 डिग्री पे मैक्सिमम होता है, उसके पीछे का कारण क्या है, उसके पीछे का कारण ये है। देख, कारण ये है कि भैया अभी आप तुरंत बताए हो पानी जो है 4 डिग्री से 0 डिग्री के बीच में, ठीक है, 4 से 0 डिग्री के बीच में वो क्या होता है, उसका वॉल्यूम बढ़ने लगता है। तो वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेंसिटी क्या होने लगेगा बताओ, घटने लग जाएगा। तो इसीलिए 4 डिग्री पे पानी का क्या है, यहाँ पे 4 डिग्री पे वॉल्यूम सबसे क्या हो जाता है, मिनिमम हो जाता है, जिसके कारण डेंसिटी सबसे क्या हो जाता है, मैक्सिमम हो जाता है। तो ये ध्यान रखना है, यहाँ पे ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आ जा द डेंसिटी ऑफ वाटर, देखा आ गया यहाँ पे, द डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम एट 4 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू कितना होता है, देख ले, ग्राम में भी दे दिया और केजी में भी दे दिया। कल हम लोग कन्वर्ट किए हैं ग्राम को केजी में, ठीक है, तो तुम लोग को भी याद है हम लोग एक्चुअली में क्या चीज को कन्वर्ट किए थे, केजी पर मीटर क्यूब को चेंज किए थे ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में। कोई बच्चा बता मेरे को कितना आएगा, 10 to the power minus 3 आ जाएगा। तो यहाँ हम लोग बड़े से छोटे में जा रहे हैं, इसलिए पावर माइनस 3 आ गया, छोटे से बड़े में जाते तो मल्टीप्लाई कर देते हैं और कितना आ जाता है भैया, 10 to the power 3 आ जाता है, 10 to the power 3 का ही मतलब हो गया 1000। तो देख बहुत सिंपल चीज है, किसी चीज को भी टफ मत बनाना कभी अपने लिए। अब यहाँ पे आ जाते हैं रिलेटिव डेंसिटी। तो रिलेटिव डेंसिटी का यहाँ डेफिनेशन पढ़, ये पहली बार नहीं आया, क्लास 8 में भी पढ़ा था तुम लोग आरडी बॉटल के बारे में। रिलेटिव डेंसिटी भैया क्या होता है, तो वर्ड रिलेटिव का मतलब तुम लोग पढ़ा हुआ है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ोगे तुम लोग क्लास 10th में जाके, उसी तरह रिलेटिव डेंसिटी आया, ज्योग्राफी में रिलेटिव ह्यूमिडिटी पढ़ा है ना। तो जब भी हम लोग किसी से कंपेयर करके निकालते हैं तो द वर्ड इज यूज रिलेटिव, ठीक है। वहां पे आप मान लेते हैं अभी हम सत्यम और केशव के बीच में कंपेयर कर रहे हैं, तो ठीक है, तो रिलेटिव होगा कि हु इज बेटर देन होम, ठीक है। तो यहाँ पे भी ये रिलेटिव बात कर रहे जब दो चीज के बीच में कंपेयर करेंगे। तो लिखता क्या है डेफिनेशन यहाँ पे सुन, द आरडी ऑफ अ सब्सटेंस इज द रेशियो। सबसे में पहला ही क्वेश्चन यहीं पे राइज करता है, अगर ये रेशियो है तो इसका ऐसा यूनिट क्या होगा, और ये क्वेश्चन आता है एग्जाम नहीं होगा। भैया हम लोग रेशियो चैप्टर पढ़े हैं, रेशियो इज ऑलवेज कैलकुलेटेड बिटवीन सेम क्वांटिटी। भैया आप देखो यहाँ पे मीटर पर सेकंड 10 मीटर पर सेकंड है, नीचे 20 मीटर पर सेकंड। भैया मीटर पर सेकंड कट गया तो 1/2 कितना आ गया, 2 आ गया, 1:2 आया। भैया इसका कोई यूनिट तो नहीं आया, तो हाँ नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि रेशियो इज ऑलवेज कैलकुलेटेड बिटवीन सेम क्वांटिटीज। तो जब भी हम सेम क्वांटिटी के बीच में रेशियो निकालेंगे तो उसका कोई यूनिट नहीं आएगा। क्वेश्चन एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए बच्चा लोग को डाल देता है कि रिलेटिव डेंसिटी का ऐसा यूनिट बताओ, देख ले यहाँ नीचे दिया हुआ है। लिखता है सिंस रिलेटिव डेंसिटी इज अ प्योर रेशियो, व्हाट डू यू मीन बाय प्योर रेशियो, लिख ले वहां बगल में अगर किसी को याद नहीं रहता है तो। प्योर रेशियो इज अ रेशियो बिटवीन सेम क्वांटिटी, प्योर रेशियो इज अ रेशियो बिटवीन सेम क्वांटिटी। भैया देखो डेंसिटी डेंसिटी, मास मास, वॉल्यूम वॉल्यूम, कोई भी चीज हो सकता है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना, रेशियो बिटवीन सेम क्वांटिटी, और इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि इसका कोई डायरेक्शन नहीं होता है, देयरफॉर रिलेटिव डेंसिटी इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो स्टार्ट करते हैं इसके डेफिनेशन से, फिर से पढ़ देते हैं हम तुम लोग के लिए, याद कर ले अभी तुरंत मेरे साथ ही। रिलेटिव डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस बाय डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। स्कूल में बता तो देता है लेकिन कभी नहीं बताता है कि 4 डिग्री सेल्सियस का कारण क्यों लिया। अब तुम लोग बताओ 4 डिग्री सेल्सियस वाटर क्यों ले रहा है, क्योंकि डेंसिटी उसके बारे में है। वेरी गुड, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पे ये ध्यान रखना, 4 डिग्री इसलिए ले रहे हैं भैया क्योंकि पानी का डेंसिटी मैक्सिमम कितने डिग्री पे होता है, 4 डिग्री पे होता है। तो ये चीज ध्यान रखना। अब स्कूल में बहुत सारा चीज कटवा रहा है, क्या कर रहा है, टीचर को भी नहीं पता होगा क्या देना है नहीं देना है, ठीक है, वो कुछ भी देंगे, उनको जो इम्पोर्टेंट लगेगा वो वही देंगे, ये बात बता देते पहले। वो भी सिलेबस का बुक नहीं देख रहे हैं, वो भी डालेंगे जो उनको लगता है इम्पोर्टेंट है। तो हम भी तुमको बता रहे कि हाँ ये इम्पोर्टेंट है, तो उस हिसाब से तुम लोग कंप्लीट कर, और हम तुमको सारा चीज इतना बता रहे, हम अभी ये नहीं सोच रहे कि एग्जाम में आएगा, हम तुमको लर्न करवा रहे हैं कि आगे कभी भी जिंदगी में सब चीज का काम आएगा, इम्पोर्टेंट टॉपिक सब है ये। फिर यहाँ पे देख आगे क्या लिखता है, हो गया यहाँ पे। फिर भैया इसका ऐसा यूनिट पूछेगा, तो तुम लोग बता दे, अभी बताया इट हैज नो यूनिट, अंडरलाइन कर लो, इट हैज नो यूनिट।
समझ में आ गया क्यों यूनिट नहीं होता, बिकॉज इट इज अ रेशियो बिटवीन टू प्योर क्वांटिटी, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, स्केल तो अलग ही चीज हो गया पूरा। अब नीचे देख क्या बोलता है, यहाँ पे क्या किया ना, देख ध्यान से, ये मास भैया कहाँ से आ गया, डेंसिटी से, तो कुछ नहीं, सीधा सा यहाँ पे हम एक बात बता रहे हैं, डेंसिटी इज इक्वल्स टू होता है भैया मास बाय वॉल्यूम, ठीक है, तुम बताया डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, जो होता है वो क्या हो जाता है, वो रिलेटिव डेंसिटी हो जाता है, वो क्या हो जाता है, आरडी हो जाता है, ठीक है। क्या डेंसिटी को, ध्यान सुनना यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, डेंसिटी को मास बाय वॉल्यूम लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं, तो हम मास ऑफ सब्सटेंस ले रहे हैं और सेम वॉल्यूम ले रहे हैं वाटर का, और मास ऑफ वाटर ले रहे हैं और सेम वॉल्यूम ले रहे हैं वाटर का, तो बी और बी कट गया, क्या आ गया, एम एस बाई एम डब्ल्यू, ये किसका फॉर्मूला आ गया, आरडी का। तो आरडी का दो फॉर्मूला साथ साथ बता रहे, अगर क्वेश्चन में तुमको डेंसिटी दिया रहेगा तो तुम डेंसिटी ऑफ सॉलिड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर लगाना या सब्सटेंस, और अगर तुमको मास दिया रहेगा तो मास ऑफ सब्सटेंस बाय मास ऑफ क्या लगा देना, वाटर लगा देना। लेकिन एक चीज ध्यान रखना कि जितना वॉल्यूम तुम सब्सटेंस का ले रहे हो उतना ही वॉल्यूम वाटर का लेना, तब मास लेना, ये नहीं कि हम ले लिए एक सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वुड और हम ले रहे हैं दो सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर, नहीं, अगर एक सेंटीमीटर वुड लिए हो तो एक सेंटीमीटर वाटर ही लेना है, वॉल्यूम का बात कर रहे हैं, ठीक है, तब ये चीज ध्यान रखना, तब मास निकालना। तो इसका मतलब यहाँ ये कहना चाहते हैं हम, ये वी और वी क्यों काट दिए, क्यों कैंसिल कर दिए, क्योंकि सेम वॉल्यूम था भैया, अगर हम दो सेंटीमीटर मास ले रहे हैं, यहाँ पे लिख देते रहो, दो सेंटीमीटर पानी ले रहे और दो सेंटीमीटर वाटर ले रहे, तो दो और दो दोनों कट गया, लेकिन अगर हम ये एक ले लेते और ये दो ले लेते तो भैया गड़बड़ा जाएगा। तो ये चीज ध्यान रखना कि जितना वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस ले रहा है उतना ही वॉल्यूम ऑफ क्या लेना है, वाटर भी लेना है। इसीलिए क्वेश्चन में ऐसे करके लिखता है, मास ऑफ सर्टेन वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस, मतलब जो भी आपको वॉल्यूम देगा, और उतने ही वॉल्यूम का पानी का हम लोग क्या निकाल लेंगे, मास निकाल लेंगे। तो इस चीज को ध्यान रखना, और क्वेश्चन में मास ऑफ वाटर नहीं देता है, मतलब सॉरी ये डेंसिटी ऑफ वाटर नहीं देता है, तुमको ये ध्यान रखना पड़ेगा पानी का डेंसिटी कितना होता है, बता तुम लोग, 1 kg per meter cube, वेरी गुड, कल हम तुम लोग को बोले थे ये चीज मार्क कर ले, तो यहाँ पे तुम लोग बताया कि डेंसिटी ऑफ वाटर जो होता है वो कितना हो जाता है, 1 kg per meter cube या 1 g per centimeter cube। तो भैया ग्राम में देगा तो क्या हो जाएगा, ग्राम में 1 g per centimeter cube लेंगे, और अगर केजी में देगा तो वो 1000 kg per meter cube ले लेंगे। तो ये चीज ध्यान रखना, जैसा देगा वो वही वाला वैल्यू ले लेंगे। तो ये किसी को कंफ्यूजन है यहाँ पे ये दोनों फॉर्मूला में, नहीं भैया, ठीक है। तो तुम लोग डेंसिटी वाला फॉर्मूला कब यूज करोगे, जब डेंसिटी में डाटा दिया होगा, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस डेंसिटी ऑफ वाटर देगा तब ये ले लेंगे, भैया नहीं हमको मास दिया तो ये ले लेंगे, मास ऑफ सब्सटेंस बाय मास ऑफ वाटर ले लेंगे। तो एकदम सही, एकदम कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए यहाँ पे, जितना वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस ले रहे हो उतना ही वॉल्यूम ऑफ वाटर भी लेना है, ये चीज ध्यान रखना, दोनों का वॉल्यूम क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद देख फिर क्या लिखता है, रिलेशनशिप बिटवीन डेंसिटी एंड रिलेटिव डेंसिटी। तो अब चलो देख लेते हैं क्या डेंसिटी रिलेशन होता है, ध्यान देना यहाँ से थोड़ा, मतलब समझना है तेरे को, एक बार समझ में आ जाएगा कभी इसका क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होगा, और जो बच्चा नहीं समझेगा नहीं सुनेगा उसको हमेशा इसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में दिक्कत हो जाएगा। इस चैप्टर से एक मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है, 3 marks का 4 marks का, हम पहले ही बता देते हैं, एक क्वेश्चन आता है 3 marks का या 4 marks का, और वो जो है ये उसका भी अभी पहला पार्ट है, 3 parts है इसमें, मतलब 3 cases है। तो पहला केस क्या है, ध्यान से सुनना, तो डेफिनेशन सब खत्म हो गया भैया, सेक्शन ए में अगर आएगा इसका डेफिनेशन तो वही पूछता है रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है और इसका ऐसा यूनिट क्या होता है। तो एक एक मार्क्स का 2 questions हो गया, यहाँ पे आइए अब यहाँ न्यूमेरिकल क्वेश्चन क्या है वो देखिए, सॉल्व करके बताइए। तो लिखता है कि आरडी और डेंसिटी में, सिंपल डेंसिटी में क्या रिलेशन है, तो चलो देखते हैं, हम लोग खुद निकाल लेंगे, काम ही नहीं है। एक बात बता, तुम लोग क्या पढ़ा अभी रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, यही ना पढ़ा? हाँ भैया, हाँ भैया, हमको हम लोग सबको पता है कि डेंसिटी ऑफ वाटर जो होता है वो कितना होता है, 1 gram होता है या डेंसिटी ऑफ वाटर जो होता है 1 g per centimeter cube होता है या 1000 kg per meter cube होता है। हम लोग को इन दोनों में रिलेशन निकालना है, हम लोग को किन दोनों में रिलेशन निकालना है, आरडी इज इक्वल्स टू डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, आरडी इज इक्वल्स टू डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस में हम लोग को रिलेशन निकालना है, ये चीज ध्यान देना, आरडी और डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस में रिलेशन निकालना है। तो भैया देखो कितना ईजी हो गया, वैल्यू पुट कर लो भैया, अगर 1 gram पुट कर रहे हैं तो क्या आ जाएगा, बताओ जल्दी से, आरडी इज इक्वल्स टू क्या आ गया, सब्सटेंस का वैल्यू,
डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस आ गया। अगर ग्राम ले रहे हैं तो आर डी इज इक्वल टू, इसका मतलब क्या हुआ सुन, अब तुम सोच रहे होगे ये ग्राम कहाँ गया, ये ग्राम और ऊपर वाला भी ग्राम में ही लिए इसका मतलब, तो ये दोनों कट गया। तो आर डी जो है वो किसके बराबर हो गया, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस के बराबर हो गया। कब हो गया, जब भैया हम लोग दोनों का जो डेंसिटी ले रहे हैं किसमें ले रहे हैं, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में ले रहे हैं, किसमें ले रहे हैं ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो आर डी जो है डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस के न्यूमेरिकल वैल्यू के बराबर हो जाता है। मान लो हम तुमको बोले कि आर डी का कोई यूनिट है, पहले ये बताओ। नहीं भैया नहीं है, हम तुमको पहले ही बोले नहीं होता है, इसीलिए हम ये दोनों को काट दिए, इसीलिए हम ये दोनों को क्या कर दिए, काट दिए। आर डी का कोई यूनिट नहीं होता है, इसीलिए हम इन दोनों को क्या कर दिए, काट दिए। अब ध्यान से सुनना सब बच्चा, यहाँ पे हमको पूछ रहे हैं, अगर हम तुमको बोले कि एक बॉडी है, ध्यान से सुनना सब बच्चा, एक बॉडी कॉपर है, ठीक है, कॉपर का रिलेटिव डेंसिटी दिया हुआ है मेरे को 900 नहीं तो कॉपर का नहीं है, चलो कॉपर का हमको 9000 दे देते हैं, ठीक है, 9000 के ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, ओके 9000 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, तो मेरे को बताओ जरा सा तुम लोग कि इसका रिलेटिव डेंसिटी क्या आएगा, 9000। एकदम सही बोला, ठीक है, कुछ गलत ही नहीं है तुम लोग का, एकदम सही है भैया। आर डी इज इक्वल टू क्या हुआ, देखो तुम लोग क्या किया, आर डी इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ क्या होता, कॉपर बाई डेंसिटी ऑफ वाटर लेता एट वही सेम वॉल्यूम पे, तो डेंसिटी ऑफ कॉपर जो लिए हम 9000 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब लिए, और पानी का कितना हो जाता है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो भैया ग्राम सेंटीमीटर कट गया, क्या खाली बचा, 9000 बचा। देखिए डायरेक्ट तुमको लिखना है आर डी जो आ गया वो कितने के बराबर आ गया, कॉपर का 9000 आ गया, आर डी कितना आ गया 9000। लेकिन अगर भैया ये केजी में देता तब क्या करते, अगर यही डाटा केजी में देता तो क्या कर देते, तो देखो तो तब क्या रिलेशन होगा, तो भैया आर डी इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस बाई डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ वाटर केजी में कितना होता है बता जल्दी से मेरे को, 1000। पर भी जो भी सब्सटेंस ले रहा है उसका भी डेंसिटी तुम केजी पर मीटर क्यूब में लिया, तो केजी मीटर क्यूब कट गया, तो भैया ये हजार जो है वो इधर चला जाएगा, आर डी इंटू 1000 इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ क्या आ जाएगा, सब्सटेंस। ये बन गया मेरा दूसरा फॉर्मूला, और ये तब होगा, ये वैल्यू तब आ जाएगा जब तुमको केजी पर मीटर क्यूब में दिया रहेगा, जब तुमको क्या चीज में दिया रहेगा, केजी पर मीटर क्यूब में। तो बस बहुत सिंपल सा चीज है, यही चीज यहाँ पे तुमको ध्यान रखना है, अगर तुमको अगर तुमसे पूछेंगे बताओ मेरे को व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन रिलेटिव डेंसिटी एंड डेंसिटी, तो तुमको यही बताना है कि अगर भैया बताओ यूनिट क्या दे रहे हो, अगर केजी पर मीटर क्यूब में देगा कोई भी डाटा तो ये इंटू 1000 हो जाएगा, इंटू क्या हो जाएगा 1000। जैसे कि ये वाला वैल्यू एक बार दिमाग में रखना, इसको मिटा रहे हैं, ठीक है, हमको बताओ जरा सब तुम लोग रिलेट, अगर कॉपर का इस बार दिया रहता तुम लोग को 9 केजी पर मीटर क्यूब तो रिलेटिव डेंसिटी कितना आता, 0.09। आर डी इंटू भैया 1000 इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ क्या हो जाता, कॉपर। तो भैया आप आर डी निकालने बोल रहे हो, कॉपर का जो डेंसिटी दिया हुआ है 9 केजी पर मीटर क्यूब दिया हुआ है, और ये केजी वाले के लिए फॉर्मूला है, तो क्या आ जाएगा 9 डिवाइडेड बाई 1000, तो कितना आ गया 0.009। तो ये 0.009 क्या कोई यूनिट आएगा, नहीं भैया क्या चीज का, कॉपर का हो गया। इसमें और क्वेश्चंस करवाते हैं, देखो तो यही चीज यहाँ बताया, देख आर डी इज इक्वल टू न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ डेंसिटी कब, जब तुम्हारा ग्राम पर सेंटीमीटर में देगा, और यहाँ पे क्या इफ इन एसआई सिस्टम तो रिलेटिव डेंसिटी तुम ही लोग बताओ क्या आ जाएगा, इसके नीचे क्या आएगा बताओ, आर डी इन 2000 इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ क्या आ जाएगा, सब्सटेंस आ जाएगा। देखो पीछे होगा, देख यहाँ पे आर डी इज इक्वल टू क्या आ गया, हम इन 2000 कर दिए यहाँ 10 पे पावर, देख हम लिख रहे आर डी इन 2000 इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस। अब हम बता देते ये इसलिए भी कर रहा है कि हमको आर डी निकालना रहता है, तो भैया 1000 को उधर ही रहने दो, आप 1000 को उधर ही रहने दो, और ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा 10 पे पावर माइनस 3 आ जाएगा, तो इसको हम यहाँ से हटा देते हैं, बस वही चीज है, ये ऐसा फॉर्मूला बना लिया क्योंकि हमको आर डी निकालना है, तो हाँ बात भी सही है यहाँ पे, क्योंकि हमको आर डी निकालना है तो हम लोग यहाँ पे इसको इधर ही रहने देते, तो 10 पे पावर क्या आ जाएगा माइनस 3 आ जाएगा, एकदम सिंपल हो गया। अब चलो इस क्वेश्चन से तुम लोग को और क्लियर हो जाएगा, एग्जाम्पल देखना जरा सा, द डेंसिटी ऑफ कॉपर इज 8.9 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, ध्यान दे सब बच्चा,
आरडी इज 8. आरडी मांग रहा है, तुम इसको मत देखो, इसको मत देखो। हम बोले कि कॉपर का डेंसिटी जो है 8.9 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर दिया है, तो तुमको बताए थे जब ग्राम में देगा तो वही आरडी हो जाएगा, वही क्या आ जाएगा, आरडी। ये बोले थे कि नहीं बोले थे, बता। जब ग्राम में देगा तो रिलेटिव डेंसिटी वही आ जाएगा जो उसका न्यूमेरिकल वैल्यू है, लेकिन आरडी का कोई यूनिट नहीं होता है, इसलिए ग्राम सेंटीमीटर क्यूब कट गया। कैसे कट गया? फॉर्मूला से कट गया। भैया देखिए, पानी का एक ग्राम होता है और इसका भी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, तो कट के क्या आया, डायरेक्टली 8.9, खत्म हो गया। मरकरी का करते, अब देखो मरकरी का कितना आ रहा है, ध्यान देना। हम केजी में क्या सिखाए थे, आरडी इक्वल्स टू डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस इनटू 10^-3। मरकरी का डेंसिटी देखो तो कितना दिया हुआ है, 13.6 इनटू 10^3 दिया हुआ है। देख कितना इजी हो गया, और इनटू 10^-3 देखिए भैया, ये दोनों कट जाएगा, कितना बचेगा, 13.6 बचेगा। तो रिलेटिव डेंसिटी ऑफ मरकरी कितना आ गया, 13.6 आ गया। सबको समझ में आ रहा है ना? हाँ भैया, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे तुमको बस यहाँ पे ये चीज का ध्यान रखना है कि केजी में लेना है कि ग्राम में दिया हुआ है, तो जब ग्राम में दिया रहेगा तो वहां पे डायरेक्टली न्यूमेरिकल वैल्यू हो जाता है, और जब केजी में दिया रहेगा तो उसमें तुमको क्या चीज से मल्टीप्लाई कर लेना है, 10^-3 से मल्टीप्लाई कर लेना है, बस इतना ही करना, और कुछ नहीं। अब आ जाते हैं इसका डिफरेंस में, तुम ही लोग बता देगा मेरे को, पहला तो डेफिनेशन बता दे और दूसरा उसका ऐसा यूनिट बता दे, तुमको नहीं लगता इसको पढ़ने का काम भी है मेरे को, बस वही चीज है, ये सब का कोई काम नहीं है, ठीक है। डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी का कोई काम नहीं है, अब तुम लोग खुद ही बता सकता है, कोई नहीं पूछेगा तुमसे कि बताओ मेरे को व्हाट इज द प्लैटिनम डेंसिटी ऑफ प्लैटिनम, तो ये टेबल ऐसे बता रहा है कि देख ले, अलग अलग सब्सटेंस है, पानी को स्टैंडर्ड बना ले और देख ले खाली पानी से किसका किसका ज्यादा होता है। पानी कहाँ गया, ऑलिव ऑयल के नीचे, प्योर वाटर, ठीक है। पानी से किसका किसका ज्यादा है, मतलब ये सब पानी में डूब जाएगा कि तैर जाएगा, कॉर्क, वुड, पेट्रोल, टर्पेंटाइन, आइस, बता। डूबेगा नहीं, तैरेगा, ठीक है, तो तैर जाएगा, ध्यान रखना। अब आ जाता है यहाँ पे न्यूमेरिकल क्वेश्चन, अब ये वो भी न्यूमेरिकल ही था, ठीक है, वो बेसिक था, अभी और इसमें केसेस बनाएंगे हम, कि जब तुमको हम ऐसा मास देंगे, जब हम तुमको ऐसा हवा में लटकाएंगे, जब हम पानी में डुबाएंगे, तो तुम रिलेटिव डेंसिटी निकाल के देखो, तो तुमको समझना है, अपने दिमाग में इसको हटा लेगा, गड़बड़ कभी नहीं होगा, ठीक है। जो रटने के पीछे चला जाएगा और फॉर्मूला में वैल्यू पुट करने में जाएगा तो उसका गलत होगा ही होगा, जो समझ लेगा कि हम भैया W1 किसको मानेंगे, W2 किसको मानेंगे, W3 किसको मानेंगे, वो तुरंत बना लेगा। तो स्टार्ट करते हैं पहला केस से, ध्यान से सुनना। देता है यहाँ पे वेट ऑफ बॉडी, देख अभी तो हमको पूरा समझा रहे हैं, हम पूरा बताएंगे, लेकिन काम खाली डब्बा वाले का ही तुम लोग को। बोलता है पहले स्टार्ट किया, रिलेटिव डेंसिटी इज इक्वल टू मास ऑफ बॉडी बाय मास ऑफ वाटर एट 4 degrees। चलो मास वाला भी फॉर्मूला तुमको बताए थे। अब यहाँ पे देखो, मास को रिलेट कर रहा है वेट से। पहली बात तो सबको क्लियर है कि मास और वेट एक चीज नहीं होता है, तो मास और वेट अलग अलग है, लेकिन हाँ ये चीज है कि वेट इक्वल्स टू क्या होता है, मास इनटू ग्रेविटी। तो भैया यहाँ पे ये लोग क्या किया है, वेट के जगह मास के जगह वेट लिख दिया, क्यों, क्योंकि ऊपर भी वेट आ रहा था, नीचे भी वेट आ रहा था, या ऊपर भी मास आ रहा था, नीचे भी मास आ रहा था, इसमें भी जी मल्टीप्लाई किए, इसमें भी जी मल्टीप्लाई किए, तो देख ये जब m इंटू जी के तो W1 बन गया, और m2 इंटू जी के तो W2 बन गया, और g तो भैया दोनों में सेम रहेगा, तो आप मास लिखो या वेट लिखो दोनों बराबर है, ठीक है, ये चीज समझा तुम लोग? हाँ भैया। ओके, हाँ भैया। यहाँ पे आर्किमिडीज प्रिंसिपल लगाता है, ध्यान से सुनना। आर्किमिडीज बताई थी कल श्रीयाल हम लोग को बहुत अच्छे से कि आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या होता है। Using Archimedes principle, the mass of water of volume equal to that mass of body is obtained by finding the mass of water displaced by the body. ठीक है, तो यहाँ पे देखो, तुमको बताए थे कि हमको जो वॉल्यूम लेना है, दोनों बॉडी का सेम वॉल्यूम लेना है, दोनों बॉडी का वॉल्यूम क्या लेना है, सेम लेना है। तो यहाँ लिखता है, by finding mass of water displaced by the body, एक चीज बता मेरे को, इतना सा सिंपल क्वेश्चन हम खाली पूछ रहे हैं। हम यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट को डुबाए, इस ऑब्जेक्ट का, और पानी इतना ऊपर उठ गया, पहले ये 100 cm³ था, अब आ गया 150 cm³, तो इस ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम क्या है, 50 cm³ बोला तुम लोग, वेरी गुड, ठीक है। तो बस ये अगर समझ में आता है तो यहाँ पे देखो, बोलता है रिलेटिव डेंसिटी इज इक्वल टू मास ऑफ बॉडी बाई मास ऑफ वाटर डिस्प्लेस बाय द बॉडी, ठीक है, मास ऑफ बॉडी बाई मास ऑफ वाटर। तो यहाँ पे देखिए भैया, यहाँ पे अगर हमको इसका आरडी निकालना है, हम बोले इस बॉडी का मास है m1, इस बॉडी का मास है m1,
और ये इतना वॉल्यूम ऑफ वाटर को डिस्प्लेस किया और इसका मास है m2। तो मेरे को बताओ क्वेश्चन जो जो फॉर्मूला बता रहा है उसके हिसाब से क्या लिखेंगे हम लोग, और ये डाटा दिया हुआ है m1 by m2। वेरी गुड, हम यही सुनना चाह रहे थे। तुम लोग भी देख यहाँ पे दिया हुआ है मास ऑफ बॉडी, तो भैया मास ऑफ बॉडी हो गया m1, ये है मेरा बॉडी, इस बॉडी का मास ले लिए, और मास ऑफ वाटर डिस्प्लेस बाय बॉडी, तो कितना डिस्प्लेस किया भैया, यही ना वाटर डिस्प्लेस किया है m2, उसका मास चाहिए, उसके वॉल्यूम से कोई लेना देना नहीं है, तो m1 by क्या कर दिया m2। अब तुम लोग पढ़ा है अपथ्रस्ट, तुम लोग पढ़ा है अपथ्रस्ट, तो पहला बात तो हम तुमको यही चीज बोल रहे हैं, ये जो मास m1 है इसको हम लोग इसका कौन सा मास बुलाते हैं, ट्रू वेट बुलाते हैं, ट्रू वेट या रियल वेट जो बुलाना है तुमको बुला, ठीक है, तो वो उसका कौन सा वेट हो गया, ट्रू वेट या रियल वेट हो गया। और जो पानी में हम डुबाए और उतना वॉल्यूम ऑफ वाटर वो डिस्प्लेस किया, ठीक है, वो क्या चीज के बराबर बोल रहा है, वो अपथ्रस्ट के बराबर। पानी तुम बताओ, जहाज को पानी में डुबा रहे हैं, ठीक है, इतना पानी में जितना जहाज डूबा उतने ही पे ही ना पानी क्या लगाएगा, अपथ्रस्ट, अपथ्रस्ट लगाएगा, क्या लगाएगा, अपथ्रस्ट लगाएगा। तो भैया देखिए आर्किमिडीज लॉस के अकॉर्डिंग क्या आ गया ना फॉर्मूला, ध्यान दीजिए, आर्किमिडीज लॉ के अकॉर्डिंग फॉर्मूला आ गया डब्ल्यू बाई एफ बी, आर डी इज इक्वल्स टू क्या आ गया, डब्ल्यू बाई एफ बी। यहाँ पे W क्या है बताओ दो जल्दी से मेरे को, वेट ऑफ बॉडी इन एयर, मान लो कि हम बॉडी को हवा में लटका रखे, या हम तुमको वही ट्रू वेट रियल वेट जो बोलना है बोला, इसका हवा में जो वेट आ रहा था W आ रहा था वो है W, और जब हम पानी में इस बॉडी को डुबा दिए, पानी इस पे जो फोर्स लगा रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में वो हो गया अपथ्रस्ट। तो तुम लोग अपने बुक में लिख ले वहां बगल में जहाँ पे लास्ट में डब्बा दिया है, आर डी इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई एफ बी, हम बता देते कहाँ लिखना है, लिख ले यहाँ पे, RD is equals to weight of body in air W हो गया, और weight of body in air minus weight of body in water। अब इसको इसका मतलब क्या हुआ, देखो भैया यहाँ पे जब बॉडी को हम डुबो दिए हैं, ठीक है, जब यहाँ पे बॉडी को डुबो दिए तो यहाँ पे बॉडी का पानी में हवा में वेट आ रहा था W, पानी में भी वेट सेम आएगा, खाली ये बता, नहीं भैया नहीं आएगा, वहां पे भैया वेट क्या हो जाएगा, अपेरेंट वेट हो जाएगा, वहां पे क्या हो जाएगा, वेट घट जाएगा। तो वही बता रहा है वेट ऑफ बॉडी इन एयर और वेट ऑफ बॉडी इन वाटर, ठीक है, तो वो जो है ये वेट ऑफ बॉडी इन वाटर का मतलब वो अपेरेंट वेट, वो कौन सा वेट है बताओ जल्दी से, अपेरेंट वेट, ठीक है, वो एक्चुअल वेट नहीं है भैया, जब पानी में उसको डुबा रहे हैं वो उसका एक्चुअल वेट नहीं है, वो कौन सा वेट है, अपेरेंट वेट है, वो हमको लग रहा है, ठीक है। तो तुम लोग को बताए थे ये चीज, एक बार वापिस से याद करो, तुम लोग को ये चीज ऐसे करके हम बनाए थे, मान लो ऐसे करके ये लड़का है, ये पत्थर उठा रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे इसका 20 न्यूटन लग रहा है इसको फोर्स, ठीक है, तो यहाँ पे अपथ्रस्ट लग रहा था, नहीं लग रहा था, लेकिन जब पानी में डुबाएंगे तो पानी में यहाँ पे इस पे एक अपथ्रस्ट लगेगा, जिसके कारण से इसका वेट क्या आ रहा था, 18 न्यूटन आ रहा था। तो ये जो 18 2 न्यूटन जो फोर्स लगा अपवर्ड डायरेक्शन में, ये अपवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स है यही क्या है, अपथ्रस्ट है, यही क्या है, अपथ्रस्ट। लेकिन इसका जो 18 न्यूटन है वो क्या है, apparent वो कौन सा वेट है, apparent वेट, और 20 न्यूटन कौन सा वेट है, true weight, real weight, जो बुलाना बुला, ठीक है। तो यही चीज था, तो apparent वेट अगर हमको बताओ, तुम लोग पढ़ा था apparent वेट निकालना है, तो हम लोग पढ़े थे रियल वेट में अपथ्रस्ट को माइनस कर दो, तुम देखो 20 में 2 को माइनस कर रहा है तो apparent वेट आ रहा है कि नहीं, हाँ भैया, हाँ भैया, तो हमको बताओ इसी से भैया आप बोले apparent weight is equals to real weight that is W minus FB, हमको FB को subject बना के दो, अगर FB subject है क्या हो जाएगा भैया, ये उधर जाके positive हो जाएगा और W minus क्या आ जाएगा, apparent weight आएगा, apparent weight, तो देख वही चीज ये लिखा हुआ है, वही statement यहाँ नीचे, weight of body in air that is true weight minus apparent weight, वो किसके बराबर आ रहा है, अपथ्रस्ट के बराबर। अब कभी तुम्हारा गलती नहीं होगा, तुमको हम बस दो ही चीज बता देंगे, तुरंत बता दोगे तुम, W by FB, हम बोले हवा में इसका वेट था, ध्यान से सुनना, आंसर तुमको करना है, ठीक है, तो ध्यान से सुन के करना, हवा में बॉडी का वेट है 100 न्यूटन, ठीक है, और पानी में जब डुबाए हैं तो बॉडी का वेट जो है 80 न्यूटन हो गया, तो चल और इजी बना देते, 50 न्यूटन हो गया, व्हाट इज द रिलेटिव डेंसिटी, 50 What is the relative density? सब मार खाएगा,
ठीक है, व्हाट इज द रिलेटिव डेंसिटी? नहीं भैया 50 होगा भैया, फिर पूछ रहे हैं सोच वेट बाय भैया वेट बाय अपथ्रस्ट, तो अपथ्रस्ट तो 2 ही ना लगेगा, अपथ्रस्ट 2 है, 50 लिखें 50, ओ हां 2 हां 2 होगा, एक गधा ढेंचू करता सब चालू हो जाता है। यहां पे देख, इधर 100 न्यूटन दिए और इधर 50 न्यूटन दिए, ध्यान देना सब बच्चा, फिर से हम तुमसे पूछे कि व्हाट इज द रिलेटिव डेंसिटी, तो पहला बात बोले W by FB। अब भैया ये अपेरेंट वेट दिया हुआ है, हम बोले पानी में वेट 50 हो गया, ठीक है बाई चांस दोनों सेम आ गया, हम अभी चेंज करके देंगे एक और क्वेश्चन, बाई चांस आंसर में सेम आ रहा है, हम यहाँ बोल रहे हैं कि 100 - 50 करना पड़ेगा, तो वो आ गया तेरा अपथ्रस्ट, वो क्या आ गया अपथ्रस्ट, तो ये 50 अपथ्रस्ट है, तो तेरा वेट कितना दिया हुआ है, वेट दिया हुआ है 100, रियल वेट जो है वो कितना दिया हुआ है 100 दिया हुआ है, ले लिख दिया हम भी यहाँ पे लाल कलर से, ये रहा 100 दिया हुआ है, और अपथ्रस्ट कितना निकाले 50, और तुम लोग कर रहे हैं इसको कितना पता नहीं, तो कितना आ गया 100 / 50, ठीक है, तो यहाँ पे यही है 2 आंसर आ गया, तो यही देख ये आरडी जो आ गया कितना आ गया 2, ये ऐसा डाटा बस इतने दिए समझाने के लिए, फिर एक क्वेश्चन पूछ रहे, ध्यान से सुन सोच के आंसर देना, और जिससे पूछेंगे वही आंसर देगा, तो रिलेटिव डेंसिटी इज इक्वल्स टू, सब अपने अपने बुक में लिख W बाई एफ बी, और जो जो गजनी है हम लोग के बीच में W को ट्रू वेट लिख लेना, ठीक है जिसको याद नहीं रहता है, अब जितना भी चीज आएगा W क्या रिप्रेजेंट करता है भैया, ट्रू वेट, कि जब हवा में जो लटकाएंगे इसका जो वेट आएगा वो W है, हवा में जो लटकाएंगे जो वेट आएगा बॉडी का वो है W, हम लोग हर चीज के लिए निमोनिक्स जो यूज करेंगे वो सेम यूज करेंगे, तो ये चीज ध्यान रखना, यहाँ पे वेट ऑफ द बॉडी नियर के लिए W यूज कर रहे हैं, और पानी में डुबाएंगे तो क्या यूज करेंगे अपथ्रस्ट यूज करेंगे, दैट इज FB, तो यहाँ पे एकदम क्लियर कर दिया है, तुमको कंफ्यूज होने अब बहुत अच्छा बैठ के रटेगा बैठ के, वेट ऑफ बॉडी इन एयर बाय वेट ऑफ बॉडी इन वाटर ये कर रहा है, या जो भी है यहाँ बैठ के W - W2 याद करेगा वो भी बेवकूफ है, तुमको एकदम क्लियर रखना है, देखो ये भी समझा देते क्या आया, हवा में वेट आ रहा है W1, पानी में वेट आ रहा है W2, पानी में वेट आ रहा है बॉडी का W2, तो बताओ अपथ्रस्ट कितना आ गया, तुम ही लोग बताओ W1 - W2 हमेशा बड़ा होगा, W1 always will always be greater because it is the true weight, और apparent weight हमेशा कम होता है, तो भैया देखिए W1 में W2 माइनस करेंगे, और W1 में W2 ही जो माइनस करे वही क्या है अपथ्रस्ट है, तो क्यों इतना हम लोग घुमा फिरा के करेंगे, सीधा सा बात आप बता दियो भैया, रिलेटिव डेंसिटी इज इक्वल्स टू क्या लिखोगे अब तुम ही लोग बताओ बार बार, वेट बाय अपथ्रस्ट, W बाय अपथ्रस्ट, W बाय FB, रियल वेट बाय अपथ्रस्ट, W बाय अपथ्रस्ट, जो लिखना है लिख, ठीक है, तो अब कंफ्यूज एकदम नहीं करेगा कोई भी बच्चा, एकदम क्लियर है ये चीज, W1 W2 में फंसना ही नहीं है भैया हम लोग को, ऐसे यहाँ पे एकदम क्लियर कर दिए भैया, हवा में जो वेट है वो है आपका W, ठीक है जो W1 बता रहा है यहाँ पे बुक में W1, पानी में जब डुबा दिए तो कितना वेट आ गया बता दे जल्दी W2, तो अपथ्रस्ट कितना लग रहा है इन लोग के W1 और W2 के हिसाब से, W1 - W2, तो वही बताए कि RD जो आ गया वो आ गया W1 / W2, तो एकदम क्लियर है ये चीज, वही हम तुमको बार बार बोल रहे हैं, कंफ्यूज किसी को नहीं होना है, किसी को यहां तक प्रॉब्लम है तो बोल मेरे को पहले, रिकॉर्डिंग चालू है क्या? हाँ भैया ओके okay, तो देखें यहाँ पे तो ये एक आ गया फॉर्मूला, तो ये फॉर्मूला तब लगाएंगे जब हमको बोलेगा कि एक बॉडी जो है हवा में लटका हुआ है और उसको पानी में डुबा दिए, एंड द बॉडी इज इनसॉल्युबल इन वाटर, पानी में क्या है इनसॉल्युबल है, या पानी से जो है डेंसर है, भैया पानी में डूब गया था वो, ठीक है तो लिखता है नोट वेट एंड मास आर रिलेटेड, तो वही चीज हम तुमको बताए थे, वेट की जगह अगर मास लिखेगा, मास की जगह ग्रेविटी लिखेगा, तो उसमें टेंशन नहीं लेना है क्योंकि दोनों का जी और जी वैल्यू कट जाता है। अब नाउ वी शैल डिस्क्राइब द प्रोसीजर टू डिटरमाइन द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ अ सॉलिड इन 2 केसेस, ठीक है अब 2 केस और आ गया, एक केस तो ये हो गया भैया, 2 केस और है क्या क्या, व्हेन द सॉलिड इज डेंसर देन वाटर एंड इनसॉल्युबल इन इट, ठीक है तो पहला हम लोग आज ये कर लेते हैं, और व्हेन द सॉलिड इज डेंसर, भैया अगर डेंसर होगा तो पानी में डूब जाएगा, एंड देन व्हाट डेंसर देन वाटर एंड सॉल्युबल, दोनों में देखो एक ही चीज है सॉलिड डेंसर है, दोनों का दोनों में लिख रहा है सॉलिड डेंसर है, तो दोनों का दोनों में सॉलिड अगर डेंसर है पानी में, तो पानी में क्या हो जाएगा बता जल्दी से, डूब जाएगा,
ठीक है. एंड उसमें एक चीज और लिखता है, सॉलिड इज डेंसर देन वाटर, लेकिन एक में इनसॉल्युबल है और एक में क्या है बता, सॉल्युबल. तो ये केस वन, ये केस टू बना लिए. अब हम लोग इसको भी कैलकुलेट करेंगे. तो चलो देखते हैं कैसे कैलकुलेट करना है. तो इतना जो बकवास किया है उसको एकदम शॉर्ट में हम तुमको यहाँ पे यही बताए, ये सब नहीं भी पढ़ो तो चलेगा. W बाई एफ बी, आर डी इज इक्वल्स टू क्या हो जाता है, W बाई एफ बी, भूलना मत कोई बच्चा. अब आ जाते भैया दूसरे में, जब ऑब्जेक्ट इज डेंसर एंड देन क्या बता रहा है यहाँ पे, और पानी में इनसॉल्युबल है. नहीं पढ़ने, एकदम नहीं बोल रहे, ये सब पढ़ना ही मत कभी, ठीक है, तुम लोग को एकदम नहीं पढ़ना है ये सब चीज. चलो यहाँ पे देखो क्या बताया, अभी जो पीछे हम लोग किए थे वही चीज है यहाँ पे, ठीक है. यहाँ पे देख क्या बोलता है, वेट ऑफ सॉलिड इन एयर W1, वेट ऑफ सॉलिड इन वाटर W2. तो रिलेटिव डेंसिटी क्या आ जाएगा भैया, रिलेटिव डेंसिटी यहाँ पे भी वही आएगा, रिलेटिव डेंसिटी इज इक्वल्स टू ट्रू वेट बाई अपथ्रस्ट आ जाएगा. तो W1 इन एयर था, दैट इज ट्रू वेट हो गया, और W1 माइनस W2 हो गया जब पानी में डुबाए थे, दैट इज अपथ्रस्ट. यहाँ भी लिख ले तो हो गया, खत्म हो गया, टॉपिक ही खत्म हो गया, तो काम ही नहीं है इसका. फिर यहाँ आता है रिलेटिव डेंसिटी ऑफ ए सॉलिड डेंसर देन वाटर एंड सॉल्युबल इन इट. अब सॉलिड जो है वो डेंसर है, ठीक है, यहाँ पे ये इनसॉल्युबल था, यहाँ पे ये भी ध्यान रखना, डेंसर है और इनसॉल्युबल है, और यहाँ पे क्या बोल रहा है, वो सॉल्युबल है, पानी में घुल जाता है, तब क्या होगा. तो चलो इसका भी देख लेते हैं, इस पे क्वेश्चन आना ही आना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये फॉर्मूला बहुत ईजी बना देता है कोई भी क्वेश्चन को. ध्यान से देख क्या है, क्या याद करना है, फॉर्मूला सुन. रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सॉलिड बाई रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लिक्विड, जैसे हम लिखा रहे ऐसे ही लिखना, और क्या आ जाएगा, वेट ऑफ सॉलिड इन एयर, ठीक है, और लॉस ऑफ वेट ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, ठीक है. तो लॉस जो भी लिक्विड लिया है, जो भी क्या लिया है, लिक्विड लिया है, लॉस इन वेट ऑफ सॉलिड इन लिक्विड. तो इसका मतलब ये कौन सा वेट आ रहा है यहाँ पे, Apparent weight. तो यहाँ पे देखना है, एक क्वेश्चन है इस पे एक्सरसाइज में, अभी एक्सरसाइज पे अगर फोटो भेजी होगी सीधी देखते हैं, अगर होगा तो वो अभी तुरंत बताएंगे. यहाँ पे क्या हो गया, एकदम सिंपल फॉर्मूला, अगर ये फॉर्मूला तब लगाना है जब मेरे को क्या देगा, सॉलिड दिया रहेगा, डेंसर देन वाटर, एंड देन उसमें क्या बताया, वो सॉल्यूबल होगा, तो तब क्या हो जाएगा भैया, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सॉलिड और रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉलिड इन एयर डिवाइडेड बाई क्या हो गया, लॉस ऑफ वेट ऑफ सॉलिड इन लिक्विड. तो वो लिक्विड में ही बात करेंगे, तो इसीलिए हम यहाँ पे क्या लिख दिए, apparent weight लिख दिए, इसीलिए यहाँ पे हम क्या लिख दिए, apparent weight. तो इसको क्वेश्चन को एक करवा देते हैं ताकि तुमको एकदम क्लियर हो जाए ये बात भी, ध्यान देना भी. क्वेश्चन नंबर फोर पे चलते हैं हम लोग, ठीक है. क्वेश्चन नंबर फोर की वो क्वेश्चन है जो हम बोल रहे थे. देख यहाँ पे हम लोग को क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर फोर को ध्यान से देखना. जो जो डाटा दिया पहले लिख लिया था, सॉलिड बॉडी वेट इन एयर, तो ये W दिया हुआ है मेरे को, एयर में मेरा वेट आ रहा है भैया 2.10 न्यूटन इन एयर. इट्स रिलेटिव डेंसिटी इज 8.4. रिलेटिव डेंसिटी किसका बता रहा है, सॉलिड का बता रहा है, रिलेटिव डेंसिटी इज 8.4. चलिए ये भी हो गया. हमको यहाँ पे देख के बताओ, क्वेश्चन में लिखता है हाउ मच विल बी द बॉडी वे इफ दी प्लेस्ड इन वाटर. हम लोग क्या फॉर्मूला पढ़े थे बता भी, जस्ट W by FB. हाँ, वो तो पढ़े थे, लेकिन रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सॉलिड बाय रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज इक्वल्स टू W by apparent weight. W by apparent weight. यही ना पढ़े थे. अब यहाँ पे देख, तुमको इसमें से कौन कौन सा डाटा दिया हुआ है. अच्छा, apparent weight को ये लोग कौन से निमोनिक से ही बताता है, W2 से. apparent weight को किससे बताता है, W2 से. हम apparent weight लिख दिए. अब यहाँ पे तुमको थोड़ा सा दिमाग ये लगाना है कि पानी का भैया पहले बोला और फिर लिक्विड का बोला. हम लोग सब जानते हैं पानी का जो रिलेटिव डेंसिटी होता है वो कितना होता है भैया. पानी का रिलेटिव डेंसिटी जो होता है वो 1000 होता है अगर आप केजी पर मीटर क्यूब में लेंगे, और 1 होगा जब ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में लेंगे. ये बात क्लियर है सबको. हाँ भैया, एकदम क्लियर हो गया ये चीज. तो अब यहाँ पे हम डाटा में वैल्यूज पुट करने जा रहे हैं. पहला दो क्वेश्चन है, इन वाटर मेरा भैया, हम यहाँ बोल रहे थे रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सॉलिड दिया हुआ कितना, तुम ही लोग बता. 8.4. वाटर कितना, लिक्विड जो है, लिक्विड तो भैया वाटर हो गया,
तुम हजार भी ले सकता है, तुम एक भी ले सकता है, हम एक ले रहे हैं, बताते क्यों। एक से कैलकुलेशन भी इजी हो जाएगा, हजार से ज्यादा इजी एक है क्योंकि भैया वही वैल्यू आ रहा है। लेकिन जो वेट आएगा वो बताओ तो किस में आएगा, केजी नहीं ग्राम में आएगा, ग्राम में आएगा। वेट जो आएगा वो ग्राम में आएगा क्योंकि भैया आप यहाँ पे एक ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब के हिसाब से बता रहे हो, तो वन ले लिए। और डब्ल्यू जो है हम लोग को कितना दिया, वेट इन एयर कितना दिया हुआ है बताओ, 2.1 क्या दिया हुआ है, 1। देख कितना अच्छा डाटा है। और ये हमको अपेरेंट वेट नहीं पता, तो अपेरेंट वेट के लिए ये लोग निमोनिक्स यूज कर रहा है डब्ल्यू टू, ठीक है। हम एक्स ले लिए, तो एक्स का वैल्यू कितना आ गया, बोल एक्स का वैल्यू कितना आ गया, 3। बोल भी नहीं रहे तुम लोग, मेरा आवाज आ रहा है सबको? हाँ भैया, ठीक है। ये जीरो हम हटा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो एक्स का वैल्यू जो आ रहा है वो कितना आ रहा है, 4। तो ये जो 4 आ रहा है ये क्या है, 4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, ठीक है। ये जो 4 है ग्राम, सॉरी वेट है ना, तो वेट जो आता है वो क्या चीज में आ जाता है, ग्राम में आ जाता है। वेट जो आता है वो क्या चीज में आ जाता है, ग्राम में आ जाता है। तो यहाँ पे तुम लोग ऊपर वाला को भूल जाओ, यहाँ पे नीचे देखो, यहाँ पे अच्छा ये वाटर का नहीं निकाला, ये लोग बस उसी का निकाल रहा है, ठीक है। इसको छोड़ो, पहले हम वाटर का ही बता देते हैं। तो वाटर का बता रहा है, तो यहाँ पे तुम लोग जरा सा देखना, ऐसे उसका भी हो ही गया था, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सॉलिड बाय रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लिक्विड, डब्ल्यू बाई क्या हो जाएगा, डब्ल्यू टू, या अपेरेंट वेट लिखते हैं हम तुमको समझाने के लिए, अपेरेंट वेट लिख रहे बार बार। रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सॉलिड कितना दिया हुआ था हम लोग को बताओ जल्दी से, 8.4। रिलेटिव कितना ले रहे हम लोग, 1 ले रहे हैं, नहीं नीचे लिया हुआ है रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लिक्विड 1.2। सेकंड क्वेश्चन में दिया हुआ है, देख ले कि रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लिक्विड जो है वो कितना है, 1.2 है। और उसके बाद देख तुम लोग को क्या दिया हुआ है यहाँ पे, वेट जो है हवा में, वेट कितना दिया हुआ है बता जल्दी से, हवा में 2.10 दिया हुआ है, हवा में कितना दिया हुआ है, तो ये आ गया एक्स, ये कितना आ गया एक्स भैया यहाँ पे, ये देखिए 1.2 से जो है ये कितने बार में कट गया, 4 बार में कट रहा है आपका, अच्छा सॉरी हम इसको कटा दे, मेरा गलती। यहाँ पे देखिए ये 12 से कितने बार में कट जा रहा है भैया, 12 से आपका कट जा रहा है यहाँ पे 7 बार में। और यहाँ पे देखिए x का फिर वहां पे डिवाइड करेंगे तो देखिए कितना सिंपल डाटा आ रहा है। यहाँ पे जो x का वैल्यू आ रहा है वो क्या चीज का वैल्यू आ रहा है बताओ जल्दी से मेरे को, देख 12 से कितने बार में कटा, 7 बार में। x का वैल्यू कितना आया, 2.10। भाई तुम लोग बुक का आंसर प्लीज मत देखो भाई, 7 आ गया, पॉइंट उड़ा देंगे तो नीचे कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा भैया, 1010 गया, 3 आ गया, तो 3/10 मतलब कितना हो गया, 0.3। ये 0.3 जो आया ये क्या आया है बताओ जल्दी से, न्यूटन, ठीक है। 0.3 जो आया ये क्या आया, न्यूटन आया। अब सुनो सब बच्चा ध्यान से, भैया मेरा तो बुक से आंसर मैच नहीं कर रहा है, अब बताओ तो क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि बुक में पूछ रहा है अपथ्रस्ट और हम लोग निकाले कौन क्या है, अपरेंट वेट, ठीक है। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा भैया, रियल वेट जो दिया था, रियल वेट कितना दिया हुआ था, एक मिनट, 2.1 हम लोग को 0.3, ठीक है। तो कितना आ रहा है, 1.8 आगे, 1.8 सबको समझ में आया, आंसर आ गया, ठीक है। तो यही चीज हम तुमको बताना चाह रहे थे, कंफ्यूज एकदम मत होना, वहां पे अपेरेंट वेट दिया है और हमसे मांग रहा है अपथ्रस्ट, हमसे क्या मांग रहा है, अपथ्रस्ट। तो तुमको फॉर्मूला अगर पता रहेगा और फॉर्मूला का मतलब पता रहेगा कि कहाँ पे क्या डाटा दे रहा है और क्या लेना है हमको, तुम तुरंत बना लेगा। तो सब बच्चा यहाँ पे ये जो फॉर्मूला था इसको अच्छे से नोट कर ले, यहाँ लॉस इन वेट जो है ये, ठीक है, ये ध्यान रखना, दिस इज अपेरेंट वेट। हम आपको क्या फॉर्मूला बताए फिर लिख रहे हैं, RD of solid by RD of liquid is equals to W, that is weight in air, by क्या लिख रहे हैं यहाँ पे, apparent weight लिख रहे हैं, by क्या लिख रहे हैं, apparent weight। तो इस चीज को ध्यान रखना। अब हम देखो वहां न्यूटन क्यों, कहाँ न्यूटन लगा रहे, कहाँ ग्राम लगा रहे, वो समझा देते हैं। यहाँ पे भैया अगर इसका यूनिट जो है, नीचे वाले का भी यूनिट वही रहेगा, अगर ये वेट न्यूटन में दिया है तो अपेरेंट वेट भी किस में होता, न्यूटन कट गया भैया, इसीलिए वो जो 0.3 आया वहां पे वो क्या आया था, अपेरेंट वेट आया है।
ये भी, और हमको ट्रू वेट देख 2.1 दिया हुआ है, इसीलिए हम इसको क्या लिख लिए थे 0.3 न्यूटन। लेकिन हमको मांग क्या रहा है, अपथ्रस्ट मांग रहा है। तो हम लोग अपथ्रस्ट कैसे निकालेंगे भैया, अपेरेंट वेट को माइनस कर देंगे ट्रू वेट में। तो 2.1 में 0.3 को माइनस किए, कितना निकाल के लिए आए 1.8, क्योंकि हमसे ये पूछ रहा था पानी कितना फोर्स लगा रहा है, तो पानी कितना फोर्स लगा रहा है 1.8 लगा रहा है, खत्म हो गया। तो यही चीज था, ये था तुम्हारा सेकंड, और इसी पे क्वेश्चन रहता है जो हम तुमको पहले ही बोल दिए थे कि से क्वेश्चन आता है वो यही क्वेश्चन आता है। तो एकदम क्लियर रखना है डाटा क्या दिया हुआ है और निकालना क्या है। पानी दिया है तो पानी में एक लेके बना, अगर केजी में देना आना है केजी में 1000 लेके बना, और लिक्विड दिया है तो लिक्विड का रिलेटिव डेंसिटी बताएगा तुमको। अब आ जाता है लास्ट इसमें और ये पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। सुनना ध्यान से यहाँ पे क्या बोलता है, हम तुमको यही चीज बता रहे हैं। अगर हमको जैसे अभी यहाँ पे रिलेटिव डेंसिटी लिक्विड का दे दिया था, लेकिन अगर रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लिक्विड नहीं दिया रहेगा तो कैसे हम लोग निकालेंगे। तो देख एकदम सिंपल सा चीज बता रहे, ध्यान से सुनना। जस्ट टू फाइंड द, यहीं पे इतना भी मेरा काम हो जाएगा, हम क्यों ऊपर का कोई काम ही नहीं है हम लोग को। ये इतना में हम लोग का काम हो जाएगा। Thus to find the relative density of liquid using Archimedes principle, we take a body which is heavier than both the given liquid and water and are insoluble in both. ठीक है? The body is first weighed in air, ठीक है? And then after washing it with water and drying, it is weighed in water. तो पहले बोला हवा में वेट किए, ठीक है? फिर बोलता है पानी में वेट किए, ठीक है? ले दोनों डायग्राम बना दिए। If the weight of the body in air is W1, इसका वेट आ रहा है यहाँ W1, और फिर और W1 इन एयर, W लिक्विड इज W2 एंड पानी में W3। अच्छा ठीक है, ये लिक्विड है, ठीक है, लिक्विड में वेट आ रहा है W2 और पानी में डुबाए। ये फिगर तुम लोग बना लेना तो तुम लोग का कभी गड़बड़ नहीं होगा, ये बात हम पक्का गारंटी ले सकते हैं। W3 आ रहा है कब, जब पानी में डुबाए, और जब पानी में डुबाए थे W3, और जब लिक्विड में डुबाए तो W2। तो रिलेटिव डेंसिटी इज इक्वल्स टू क्या हो जाता है फॉर्मूला, देख ध्यान से, W1 माइनस W2। तो W1 माइनस W2, W2 क्या लिए रहे हैं, W2 लिक्विड का वेट ले रहे हैं, W2 क्या चीज का वेट ले रहे, जब ऑब्जेक्ट को लिक्विड में डुबाए थे, डिवाइडेड बाय क्या आ गया W1 माइनस W3। यहाँ पे भी ये जो W1 माइनस W3 आ रहा है ये क्या है बता जल्दी से मेरे को, अपथ्रस्ट है ये जो है, ये क्या है अपथ्रस्ट, ठीक है, ये जो है ये दिस इज अपथ्रस्ट। लेकिन तुमको ये चीज ध्यान रखना पड़ेगा W1 क्या था, W2 क्या था, W3 क्या था। जो बच्चा ये याद रख पाएगा उसको कभी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो पहला चीज जब हवा में वेट कर रहे थे तो आया था एयर में भैया W1 बोले थे लेने, पानी में जब डुबाएंगे तो क्या लेने बोले थे W2 लेने बोले थे, और सॉरी लिक्विड में जब डुबाएंगे तो W2 लेने बोले थे, और पानी में जब डुबाएंगे तो क्या चीज वेट बोले थे W3। तो दीज ऑल आर W2 एंड W3 आर अपेरेंट वेट इन लिक्विड एंड अपेरेंट वेट इन वाटर। तो यहाँ पे क्या आ गया W1, दोनों में W1 आगे ही है, ये ध्यान दे, दोनों में W1 जो है वो आगे ही है, और वो हमेशा ज्यादा रहेगा क्योंकि दैट इज ट्रू वेट। तो क्योंकि रिलेटिव डेंसिटी हम लोग किसका निकाल रहे हैं, लिक्विड का निकाल रहे हैं, तो क्या हो जाएगा रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू W1, W1 दोनों में आ गया, यहाँ पे W2 में माइनस कर रहे हैं और यहाँ पे किस में माइनस कर रहे हैं W3। तो ये तेरे को क्या दे देगा, ये तेरे को रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लिक्विड दे देगा। एकदम क्लियर रखना, नीचे अगर हो तो एक डायग्राम बना ले ऐसे करके, एक डायग्राम दूसरा डायग्राम तीसरा डायग्राम, यहाँ पे ऐसे करके बीकर दे दे, यहाँ पे लिक्विड ले दे, यहाँ पे वाटर दे दे, ठीक है, इसके नीचे लिख ले दिस इज W1, दिस इज W2 एंड दिस इज W3। और इफ यू वॉन्ट टू फाइंड द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लिक्विड देन हम लोग को क्या करना पड़ेगा, W1 दोनों में आगे आगे रहेगा, इसमें माइनस W2 कर देंगे, इसमें माइनस W3 कर देंगे, और तुम लोग को बता दिए कि W2 क्या है और W3 क्या है। तो W2 है तुम्हारा वेट इन लिक्विड और W3 है वेट इन वाटर, तुरंत आ जाएगा इससे रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लिक्विड। और जैसे इस क्वेश्चन में तुमको रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लिक्विड दे रखा था, अगर नहीं देता तो तुम लोग पहले ऐसे निकालता और तब जाके इसमें वैल्यू पुट करता, तब जाके तुम्हारा रिलेटिव डेंसिटी ऑफ क्या आ जाता, सब्सटेंस आ जाता। तो वो भी एक क्वेश्चन है, और जो सबसे टफ क्वेश्चन होता है इस पार्ट का वो यही रहता अगर आता। तो तुमको हम ये तीन केस जो बताए, पहला केस क्या बताया जल्दी बताओ वापिस से, RD इज इक्वल टू क्या होगा W/FB, ये कब लगेगा, जब ऑब्जेक्ट इज डेंसर, और दूसरा चीज क्या बताए थे, जब इनसॉल्यूबल रहेगा। फिर क्या आया था RD ऑफ सब्सटेंस बाई RD ऑफ लिक्विड,
और इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, डब्ल्यू बाई अपेरेंट वेट, डब्ल्यू बाई क्या आ जाएगा अपेरेंट वेट। और लास्ट में हम तुमको अभी क्या बताए, आर डी ऑफ लिक्विड निकालने का तरीका, डब्ल्यू वन माइनस डब्ल्यू टू और डब्ल्यू वन माइनस डब्ल्यू थ्री। हो गया, यही तीन फॉर्मूला है जो तुमको याद रखना है और तीनों अलग अलग केस में लग रहा है, तुमको हम बता दिए सारा। किसी को कोई दिक्कत है इस चीज में? नहीं भैया। ठीक है, अब एक बार हम सी ऑफ करते हैं क्योंकि